चांपा जिले के मुलमुला पुलिस ने गो तस्करी करते कंटेनर को पकड़ा। कंटेनर में भरे 50 मवेशियों को पुलिस ने कब्जे में लिया। कंटेनर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब कंटेनर चालक की तलाश में जुटी है, साथ ही गो तस्करी के काम में जुटे लोगों की पतासाजी की जा रही है। नाइट पेट्रोलिंग में निकली पुलिस ने शंका होने पर कंटेनर को रुकवाने की कोशिश की कि गो तस्करी का यह मामला पकड़ में आया। पुलिस को देखकर कंटेनर चालक वाहन समेत भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो बिलासपुर रोड में अर्जुनी पारा के पास कंटेनर गाड़ी को खड़ा कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो अंदर बड़ी संख्या में मवेशी मिले। कंटेनर के अंदर 50 गायों को ठूंस ठूंस कर भरा गया था। कंटेनर में भरे मवेशियों को पुलिस ने गौशाला भेज दिया। मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मुलमुला पुलिस पेट्रोलिंग नाइट गश्त की पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी दौरान बिलासपुर की ओर से आ रही एक कंटेनर के ऊपर उसे शंका होने पर पेट्रोलिंग टीम ने उसका पीछा किया। पीछा करने पर ड्राइवर को संदेह हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है, तो वो अपनी गाड़ी थोड़ी दूर पर जाके रोका है और रोकने के पश्चात पुलिस के वहाँ पीछे पहुँचने से पूर्व ही फरार हो गया। जब खड़ी कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें मवेशी पाए गए, उसमें 50 मवेशी पाए गए हैं और उनकी तस्करी की जा रही थी। इस संबंध में पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में कार्यवाही की गई है। फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है तथा कंटेनर में मवेशियों की तस्करी किसके द्वारा की जा रही थी और किनके द्वारा कराई जा रही थी, इन सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है, विवेचना में लिया गया है। कमलेश पटेल की रिपोर्ट।